अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी, यहाँ मैं आई हुई थी अपनी कज़न के पास, ये भी गांव में हमारा पास में ही घर है, वहाँ बैठे हुए थे। चलें जी, ये देखिए वहाँ पर छोटी सी क्यूट सी बेबी थी, ये देखिए राहिम उसे बड़ा प्यार कर रहा था, उसे गोदी में बिठा रहा था। राहिम को बड़ी प्यारी लग रही थी, ये देखिए बार बार कह रहा था मेरी गोद में बिठाओ, मेरी गोद में बिठाओ। चलें जी, फिर खाला ने बनाए हुए थे दाल चावल, फिर वो खाया। वो मेरी खाला का घर था, तो वहाँ खाला की बेटियों से मिलने गई हुई थी। तो चलें जी, फिर राहिम को भी मैंने कहा राहिम की ज़रा आउटिंग हो जाए। चलें जी, फिर हम काफ़ी देर बैठे रहे, राहिम बहुत ज़्यादा वहाँ पे खेला बच्चों के साथ, फिर हम घर वापस आ गए। तो ये देखें हम अभी घर आए हैं, ये देखें ताहा खेल रहा था अपने दोस्त के साथ, इसकी शलवार चेक करें, पता नहीं कौन सी शलवार है, ये देखें किस तरह से है। मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊँ, मुझे बिल्कुल नहीं इस तरह के लड़कों के पहने हुए बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। चलें जी, खैर फिर रात में अम्मी ने बनाया नमकीन गोश्त, ये मैं खाई थी नमकीन गोश्त मटन का था, तो और साथ में अम्मी ने बनाई हुई थी दाल गोश्त। दाल गोश्त ये अम्मी बहुत ज़्यादा मज़े का बनाती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। तो चले जी, आज मेरा अम्मी के घर था लास्ट डे, तो फिर कल मैंने चली जाना अपने घर वापस अपने ससुराल। आई हुई है मेरी नंद और बच्चे, उन्होंने कल मुझे लेने आना है। वो कह रहे थे, बच्चे कह रहे थे मामी हमारा दिल नहीं लग रहा आप घर आ जाएँ, तो फिर वो लेने आई। देखिए हम रेडी हो गए हैं, ये फातिहा है। फातिहा इतना रोई जब मैं निकली घर से, इतना ज़्यादा रोई, सबको घर वालों को रुला दिया। तो चलें जी, उसके बाद फिर हसीब ने मना कर दिया था कि अम्मी को कि खाना वाना ना बनाए, बच्चे हैं, बच्चे पिज़्ज़ा बाहर से हम पिज़्ज़ा वगैरह खा के जाएंगे। तो चलें जी, हम रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं, वहाँ पे देखें मैं ज़रा सैड सैड थी, क्योंकि इस बार मैं काफ़ी दिन रह के आई थी, तकरीबन 1.5 माह रह के आई थी, तो दिल कुछ उदास सा था। चलिए, यहाँ पे हम देख रहे थे क्या ऑर्डर करना है, पिज़्ज़ा कुछ कह रहे थे, पिज़्ज़ा कुछ कह रहे थे बर्गर, बट फिर हमने पिज़्ज़ा ही ले लिया, ज़्यादा वोट जो थे वो पिज़्ज़े की तरफ जा रहे थे। तो चलिए जी, एक हमने लिया कबाब वाला पिज़्ज़ा, तो दूसरा लिया इनका जो स्पेशल पिज़्ज़ा था वो वाला ऑर्डर कर दिया। चलिए जी, ये रेस्टोरेंट राहिम को बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर इसकी पेंटिंग वगैरह हुई है, राहिम को बहुत अच्छी लगती है। तो राहिम हमेशा कहता होता है मम्मा इसी जाना रेस्टोरेंट, ये वाला रेस्टोरेंट राहिम को बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत ज़्यादा राहिम यहाँ पर इंजॉय करता है। चलिए जी, यहाँ पर वेट कर रहे थे, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। चलिए जी, फाइनली हमारा ऑर्डर आ गया। पहले वो देखे कि सीख कबाब वाला पिज़्ज़ा, तो सबको वो डाल के दिया, सबने खाया। तो फिर इसके बाद फिर साथ ही दूसरा पिज़्ज़ा भी आ गया हमारा। तो बस राहिम ने कहा मामा ऊपर से कबाब उतार दें, वेजिटेबल उतार दें, राहिम का पिज़्ज़ा इसी तरह होता है, राहिम बस चिकन वाला ज़्यादा शौक से खाता है। ये देखे राहिम उधर बैठा हुआ था, फिर मैंने इस तरफ अपनी साइड पर बुला लिया कि मैं राहिम को खिलाती हूँ खुद अपने हाथों से। फिर राहिम मेरी तरफ आके बैठ गया। चले जी, पिज़्ज़ा हमारा खा गया है, सब ने पेट भर लिया है। ये देखें, अब देखें माशाल्लाह से राहिम कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें तस्वीरें सब बना रहे हैं बच्चे, जो पेंटिंग हुई हुई है ये देखें, इसको बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ये वाली। तो ये देखें जोकर टाइप कुछ बना हुआ है। तो ये देखें इसके बाद हम आगे बाहर, ये देखें अब बच्चों ने ज़िद कर दी कि आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, तो वहाँ पर हमने आइसक्रीम ली। ये देखें ये गाड़ी के हम अंदर ही रुके हैं, सीप लेके आई है, देखिए इसलिए थोड़ा सा अंधेरा सा आ रहा है। चलिए जी, हम घर वापस आ गए हैं। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, वहाँ पर राहिम को मैंने सोइयाँ दी, चाय दी। तो चलें जी, अब मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। छोटू सब लोग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बस इस बार दिल कुछ उदास सा हुआ, बड़ी याद आ रही है सब घर वालों को, क्योंकि इस बार मैं ज़्यादा दिन रह के आई हूँ। पहले मैं जाती थी हर फ्राइडे जाना था, या दो फ्राइडे के बाद मैं जाती थी, सुबह जाती थी शाम को आ जाती थी, लेकिन इस बार ना मैं ज़्यादा दिन रह के आई हूँ, ज़्यादा दिन रह के आऊँ ना, फिर वहाँ पर मेरी अम्मी लोग भी बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे, मैं भी बहुत ज़्यादा उदास हो रही थी। तो चलें जी, आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए, सबके लिए, और मिलती हूँ ज़्यादा सबका मज़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।